नमस्कार दोस्तों, सच्चा सैनिक यूट्यूब न्यूज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जो फोटो देख रहे हैं वीडियो में अपनी स्क्रीन पर, दोस्तों ये है इस देश का सच्चा सैनिक। दोस्तों, आप सभी ने एक ऑडियो वीडियो जो वायरल हो रही है दोस्तों, इन फौजी के ऊपर इतना, मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, इतना प्रेशर आ गया कि इन्होंने खुद की गर्दन में फंदा डाल के आत्महत्या कर ली। बहुत ही शर्मनाक ये बात है दोस्तों। हमारे देश का फौजी जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा जो डिपार्टमेंट है, वो ऐसी स्थिति सहायक पर मान लो दोस्तों, बड़ी ड्यूटी मान लो दोस्तों, ऐसी, मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसी हालत बना देता है नीचे जो सिपाही है उनकी, वो खुद मजबूर हो जाते हैं खुदकुशी करने को। दोस्तों, अपनी जान किसको प्यारी नहीं लगती, अपने घर परिवार को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन उस पर इतना प्रेशर आ जाता है, ऊपर से इतना प्रेशर आ जाता है, वो खुद को गुलाम महसूस करने लगता है। एक बार आप फौजी भाई की दोस्तों ऑडियो जो काफी वायरल हुई है, इनकी इनकी आवाज की एक बार ऑडियो सुनिए आप। ओसी साहब का बड्डी स्टाइल किया गया, तो मैं बड्डी ड्यूटी नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरे को बोला गया तेरे को ओसी साहब ने बड्डी के लिए बोला है। तब पहले मेरे को बोला गया कि तू उसी ऊपर तेरे को उसी साहब बुला रहे हैं। मैं गया और मेरे बोला गया तेरे को बड्डी, और मेरे को गलाम भी नहीं होती, ज्यादा गलाम भी नहीं होती, तो मैं हूं गुलामी तो छुटकारा पाना। मैं कभी आपका दुख दर्द नहीं दसा सू, कहना ही औखा होगा। दोस्तों, जैसा कि आपने ऑडियो में सुना कि अफसर से, यानी कि इनसे जो ऊपर वाले अफसर से, उनके द्वारा इनके ऊपर काम करने का दबाव सहायक पर था, घर का काम। एक बात बताता हूँ दोस्तों, कोई सैनिक, कोई बच्चा स्टार्टिंग में सेना में भर्ती जाता है, देश की रक्षा का जुनून उसके दिमाग में होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो उससे ऊपर वाले अफसर हैं उनके द्वारा दबाव बनाया जाता है, उनसे घर का काम करवाया जाता है, घर का छोटा से बड़ा काम। मैं कहना, एक बात आपको बता दूं दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे भी सैनिक हैं जिनकी हालत बिल्कुल खराब है, घर की स्थिति खराब है, लेकिन वो मजबूर है वहां पर, ना तो वो सोशल मीडिया पे कुछ कर सकते हैं दोस्तों, कहीं अफसर ड्यूटी ना खा जाए उनकी, ना किसी से वो बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस देश का हीरो, इस देश का सोल्जर, इस देश का सिपाही सेना में अब अगर इस तरह से आत्महत्या करने लगा, तो दोस्तों इस देश का, इस डिपार्टमेंट का, इस सिस्टम का, इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं तो बता दूं दोस्तों, हो नहीं सकता। जब एक देश का सच्चा ईमानदार सैनिक देश रक्षा के लिए बॉर्डर्स पर जाता है, देश से रक्षा की बजाय उससे घर के काम वहां पर करवाए जाते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं दोस्तों, घर के काम वहां पर करवाए जाते हैं, और कुछ बोलने पर उन पर फिर प्रेशर डाला जाता है, ड्यूटी प्रेशर डाला जाता है। इसी का नतीजा है कि हमारे देश का एक फौजी आत्महत्या कर लेता है खुद खुशी करके। ये बात दोस्तों राजस्थान की है, आप सभी को पता होगा। दोस्तों, इस देश का सिस्टम जब ऊपर से ठीक नहीं होगा, तो निचले जो सिपाही लेवल के उम्मीदवार दोस्तों वहां पर जो सेना में भर्ती हुए हैं, उनके ऊपर ऐसा ही अत्याचार, बर्बरता चलती रहेगी। दोस्तों, जब हम बाहर के डिपार्टमेंट की बात क्या करें, यूपी वाला
पीलीभीत वाला कांड है उसकी बात क्या करें, जब खुद के ही डिपार्टमेंट में ऐसे काम हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हर एक देश का जो जवान है, देश सरकार है जो, वहाँ तक वीडियो पहुँच सके। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी बड़ी अपडेट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।